आप अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ बताइए ना। बेटा मैं तुम लोग की तरह मैं भी चाहता था कि मेरे पापा मम्मी दोनों मेरा सपना देख सकें, लेकिन ना उस समय लिटिल चैम था ना सारेगामा था जहां पे मेरे साथ मम्मी पापा मुंबई आते। जिंदगी में पहली बार पापा के ऑफिस में गया था, दोपहर का समय था, मई का महीना था, लू चलती है कानपुर में। मेरे पापा बोला करते थे मेरा एक ऑफिस है, ऐसा है ऐसा है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब उनके ऑफिस में गया तो मैं देखता हूं चारों तरफ फाइलें ही फाइलें हैं, पुराने रद्दी पड़े हैं, और मेरे पापा के पास सिर्फ एक कुर्सी और एक छोटा सा एक मेज है। ना तो वहां पे फैन है, ना तो वहां पे ठंडा पानी है। उस गर्मी में, उस धूप में, उस लू में वो एक ऑफिस में काम करते थे, आज तक छुपाया हम लोगों को। मैं जब पहली बार गया था मेरे अंदर एक जुनून था कि पापा अब वक्त आ गया है, अब मैं जल्दी से जल्दी कुछ बन के फिर तुम लोगों को मुंबई लेके जाऊंगा। मेरे पापा बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, वो सब एडिटर थे, वो प्रूफ रीडर थे, कितने कितने नेशनल मैगजीन, नेशनल न्यूज़पेपर्स में उन्होंने एडिटिंग किया है, कितना कुछ किया। मैं दोष अपने को नहीं देता हूं, मैं दोष वक्त को देता हूं जिसने इतना वक्त लिया मेरे को सक्सेस देने में। बेटा उस समय हमारी फिल्म इंडस्ट्री में नए लोगों को चांस नहीं मिलता था। मुझे अभी तक अंदर वो गुस्सा है जिसकी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई। आपके सबके फादर, आपके सबके मॉम आपका सपना देख रहे हैं, जो उनका सपना, सबने सक्सेस देखा है। मेरे फादर सपना देखते देखते ऊपर चले गए। वो सीन मैं कभी भूल नहीं सकता। लखनऊ में मेरे फादर बहुत बीमार थे, उनकी याददाश्त मेरी वजह से खो गई थी। वो कहते थे कि देखो सामने से आवाज आ रही है, वो देखो अभिजीत भट्टाचार्य का प्रोग्राम चल रहा है, वो देखो वो आया है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और लोग, हम लोग डॉक्टर लोग उनको रोक लेते थे कि नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है, अभिजीत मुंबई में बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मैं उनको कह नहीं सकता था कि मुंबई में मेरे साथ क्या हो रहा है। बेटा आप लोग बहुत नसीब वाले हो जिनके पापा आप लोगों का सक्सेस देख रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सपना था कि मैं पापा को बाय फ्लाइट मैं उनको मुंबई में लेके आऊं, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ। आज सब कुछ मेरे पास है लेकिन पापा ने मेरा सपना कभी देखा नहीं। तो बेटा किस्मत वाले वही होते हैं जो अपना सपना, अपने माँ बाप का सपना माँ बाप के सामने पूरा करते हैं। मेरी माँ को यह भी नहीं मालूम कि मैं किस ओहदे पे हूं, मैं आज कितना बड़ा स्टार हूं। वो इतनी सिंपल है, सुबह शाम पूजा करती, सिर्फ एक ही चीज पूछती है, बेटा तुमने खाना खाया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे ने कितना बड़ा सुपर हिट गाना गाया है, उसको ये अवार्ड मिला, एक ही बात पूछती है, बेटा खाना खाया। बेटा वही माँ है, नथिंग एल्स। हमारे पास आपके लिए कुछ झलकियां, वो देखते हैं। ये मेरी माँ है, वैसे जब भी किसी भी काम से निकलूं तो मैं इनका आशीर्वाद लेके ही निकलता हूँ हमेशा। लोग बोलते हैं कि भगवान को कभी किसी ने नहीं देखा, कोई जरूरत नहीं है, आपके माँ बाप यही साक्षात भगवान है, तो जितना इनको आप प्यार कर सकते हैं उतना आप प्यार कीजिए।